नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कैस्टर का शॉर्ट एनालिसिस देखेंगे। देखिए, अगर कैस्टर की अगर बात करें तो एक बेहतरीन रैली हमने कैस्टर के प्राइजेस में रिसेंटली आते हुए देखी है। हमने प्राइजेस के अंदर देखा कि लगभग 11% की तेजी हमने कैस्टर के अंदर बनते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये तो डेफिनेटली है ये सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से एरिया अंडर कल्टीवेशन में या सोइंग में लगभग 18% की कमी बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये 11% का हमने गेन आते हुए देखा। रिसेंटली हमने गवर्नमेंट के थर्ड क्रॉप एस्टिमेट आए हैं 23-24 के, जहां पे हमने देखा 3% की गिरावट बताई जा रही है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी प्राइजेस में देख चुके हैं, बट इसकी वजह से भी एक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा है। तो कुल मिला के जो सप्लाई है वो श्रिंक रही है अब तक, और यही एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से तेजी, और साथ में आगे अगले साल के लिए भी अगर हम देखें तो जो स्विंग में ड्रॉप है ये एक बड़ा कारण बना हुआ रहा। कंजम्पशन की बात करें, देखिए अब तक हमने स्लो डाउन, रिसेशन फियर, जिसकी वजह से पूरा ही हमने सेक्टर्स को एक दबाव में देखा है, लेकिन जिस ढंग से अब रेट कट करना स्टार्ट हो चुका है, इनफैक्ट इंडिया में भी RBI ने संकेत दे दिए हैं कि आगे जाके पॉलिसी के ऊपर डेफिनेटली कुछ वर्क किया जा सकता है, तो आई थिंक ये एक बड़ा हम बोल सकते हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज ओवरऑल आई थिंक के इंडस्ट्री में अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा, और सबसे बड़ा बायर जैसे कि हम जानते हैं कैस्टर का चाइना है, और चाइना में हमने अब तक देखा था कि स्लो डाउन, रिसेशन के फियर काफ़ी ज़्यादा सीवियरली भरे हुए थे, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर कुछ बड़ा उछाल नहीं था। लेकिन अब चाइना जिस ढंग से रेट कट की बातें कर रहा है और स्टिमुलस देने की बात कर रहा, अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो ज्यादा करके बेस मेटल पे लोगों का ध्यान रहता है, बट ऐसा नहीं है कि बेस मेटल ही बढ़ता है, इसके अलावा भी सारी इंडस्ट्रीज को इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि मेडिकल, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर जो सेक्टर्स है, एलाइड जितने भी है, इनको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब सेंट्रल बैंक जितने भी है वो सब अब रेट कट करने में लगे हैं, और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हम जल्द मार्केट पे पड़ते हुए देखेंगे। लेकिन कुछ चिंता अभी भी बनी हुई है। जैसे हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट के अंदर लगभग अगर जुलाई के मुकाबले 2023 से 24 की अगर बात करें तो लगभग 34% का बड़ा फॉल हमने बनते हुए देखा है। ओवरऑल जब भी एक्सपोर्ट के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इसका एक चीज तो क्लियर है ही कि मार्केट के अंदर डिमांड वाला जो सिनेरियो है वो तो हमने अभी रिसेंटली देखा ही है कि दबाव में रखा हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत नेगेटिवनेस उसका, इवन अगर हम कैस्टर मिल के एक्सपोर्ट की बात करें उसमें भी 20% का फॉल है। अराइवल्स देखें तो जैसे जैसे भाव बढ़ा है तो पिछले महीने दो महीने के अंदर हमने अराइवल बढ़े, सितंबर 2024 की बात करें तो अराइवल करीबन 33,817.12 टन के आसपास रहा है, जो YOY भी कंपेयर करें तो ठीक ठाक ही पॉजिटिव दिखा रहा है। टेक्निकली मैग्डी अब थोड़ा सा ओवरसोल्ड में हम बोल सकते हैं ओवरबॉट में थी, इसलिए बेरिश क्रॉसओवर दिखा चुकी है। RSI भी 75 के करीब है, जो ओवर बॉट का एक संकेत देता है, जिसकी वजह से प्राइजेस में हमने एक करेक्शन भी मार्केट में बनते हुए देखा है, बट कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो डाउनवर्ड थोड़ा सा करेक्शन कम दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटी कैसी है? अपॉर्चुनिटी है कि इस बार लानिनो की वजह से हमने देखा है कि सोइंग में भी इम्पैक्ट पड़ा है, हार्वेस्ट में भी इस बार इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हार्वेस्टिंग के अंदर थोड़ी भी डिले होती है तो कहीं ना कहीं इसका असर पॉजिटिवली प्राइस पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। सेकेंडली एक्सपोर्ट की बात करें तो जिस ढंग से अब चाइना ओपन अप हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं पूरे ही सेक्टर को एक पॉजिटिव अपलिफ्ट देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चाइना ने जिस ढंग से अनाउंसमेंट किया है कि इकोनॉमी को संभालने के लिए हर मुमकिन सारे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे, और वो दिख भी रहा है कि शनिवार है आज शाम तक चाइना से भी वहां पे क्या नया एक्शन लिया जा रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर एक बार ये कंजम्पशन स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली जो कंज्यूमिंग कंट्री है वो अपने अपने इन्वेंट्रीज को बढ़ाना चालू कर देंगे, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो कुल मिला के लग रहा है कि जो वीकनेस दिखना था वो ऑलमोस्ट हमने काफी बड़ा वीकनेस आते हुए देख चुके हैं। करंट लेवल से ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट में कोई बड़ा फॉल रहे। हाँ, ये जरूर है थोड़ा टेक्निकल पुलबैक अगर प्राइजेस में मिल जाता है तो वो एक बेहतरीन मौका रहेगा लेने के लिए, एटलीस्ट तो थोड़ा बहुत पुलबैक मिल सकता है मैक्सिमम। तो ग्लोबल सप्लाई जो है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है, बिकॉज रिसेशन के फियर के चलते आप ये देखिए, खाली कैस्टर की बात नहीं करूंगा मैं,
ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज में जो पाइपलाइंस है वो एम्प्टी ही है, क्योंकि जब रिसेशन स्लो डाउन रहता है तो हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन बनती है। आप चाहे 2008 से 2011 के बीच में देखो, जब हमने पूरे एग्री मार्केट में तेजी देखी थी, उसका भी कारण यही था कि कोविड 2008 के क्रैश के बाद ऑलमोस्ट सभी लोग कोई भी इन्वेंट्री रखना नहीं चाहता था, और ऐसा ही हाल इस बार दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जैसे जैसे सेंटिमेंट थोड़े इम्प्रूव होंगे, आई थिंक ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बनाकर ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर थ्रेट की बात करें तो कैरी ओवर स्टॉक में थोड़ा बहुत जंपी है, अभी भी स्टॉक टू यूज रेशियो बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक्सपोर्ट के नंबर वीक है, जो अगर इंप्रूवमेंट नहीं आया तो खराब रह सकता है। साथ में अगर हम देखें सीजनैलिटी में हम देखते हैं अक्टूबर में थोड़ी बहुत दबाव रहता है, खाली रिसेशन का एक ऐसा बड़ा फियर है, अगर नहीं आए तो बात अलग है, अदरवाइज ये जो फियर बना हुआ है ये काफी मार्केट के सेंटिमेंट को खराब इस बार कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस जरूर है हायर साइड पे, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अगर हम कैस्टर की अगर बात करें तो डेफिनेटली कैस्टर के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अच्छे जरूर है, जो 7100-7150 का लेवल दिखा देगा, बट टेक्निकली अगर थोड़ा पुल बैक मिले तो लेने का अच्छा मौका रहेगा। तो कुल मिला के फंडामेंटल मजबूत है, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, एज ऑफ नाउ ऊपर में 71-72 के जोन तक भी मार्केट जाता हुआ दिखेगा। इसके साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि आप तक भी नए अपडेट्स और आते रहें।